लगता है कि हमारे मन का वहन होगा। डब्बी चिप्स मत खा पाती। मैंने तो ब्रेसलेट कहीं खो दिया। तो इसके लिए जगाया तूने मुझे? जान की माफी ठाकुर साहब, ये सीढ़ियों पर मिला हमें और इससे पहले आवाज भी आ रही थी तो सोचा। वो आवाज? अरे वो आवाज तो हमसे हुई थी। हाँ भैया जी से ही हुई थी। हाँ हम रसोई में नमक पारा ढूंढ रहे थे और धपाक से एक डब्बा गिर गया। गांव में हमारी कितनी जमीन फसल पे है इसका तो पता नहीं तुम्हें, पर रसोई में किस डब्बे में नमक पारे हैं और खीर कहाँ रखी है ये सब पता है। अरे ये का मिल गया हमारे जिगर का टुकड़ा। कहां कहां नहीं ढूंढी इसे। तो ये तुम्हारा है? और नहीं तो का। न जाने मर्दों वाले शौक कब जागेंगे तुम्हें। लगता है ये उस चुहिया का है। हमारी हसीन मेहमान। हसीन मेहमान नैना दीदी। दीदी होगी तेरी। और बता देना उसे हम बचाएं उसे। हाँ पर इतनी रात को गई कहाँ है? आपको कहाँ लगता है भैया जी कहाँ गई होगी? बड़की क्या हो सकता है? चल देख के आते हैं। कहाँ चले? चल आई थिंक बोट रुक गई और हम दूसरी साइड पहुंच गए। आश्रम भी यही कहीं होगा। गांव वालों ने तो कहा था कि उस पर आश्रम है पर यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो देख मल्ला काका जा रहे हैं। चल आराम से। हो सकता है कि आश्रम इन झाड़ियों के पीछे हो। चल
आ गए मल्ला काका। आपको देखकर तरस आता है मल्ला काका। इस उम्र में आपको नदी पार करके इस तरफ आना पड़ता है उस आश्रम में सामान देने के लिए जो आश्रम कभी था ही नहीं। आश्रम कभी था ही नहीं। हमने जो सोचा था ये तो उससे भी बड़ा स्कैम है। क्या आश्रम से नहीं घूमती है बल्कि इधर रेड लाइट एरिया में भेजती जाती है बल्कि यहाँ आना चाहती है क्योंकि वो चुपचाप प्रथा में बिलीव करती है। वो किसी आश्रम में नहीं लाएंगे बल्कि बेच देंगे और वो ये सब इसलिए करना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि गांव का भला होगा। I just don't believe this thing. तुम सोई नहीं अभी तक? हम ही सोच रहे थे कि माई की दवाई के बारे में तुम्हें कुछ समझाया ही नहीं। अच्छा हुआ तू जागी है। हम तुझे अभी बताए देते। रात को सोने से पहले सरसों के तेल माँ तनिक सो अजवैन और लहसुन की एक कली छौंक के ना। हमें मत बताओ इस, हम नहीं करने वाले ये सब। अरे तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तुम। हम तो गंगा पार जा रहे है ना। नहीं, हम कह दिए है राम जी से तुम कहीं नहीं जा रही। हम कोई प्रथा से कछु लेना देना नहीं है। एक लगाएंगे धर के। तू जानती है ना ये गंगा मैया को खुश करने के लिए गांव की भलाई के लिए। गंगा मैया को खुश करने के लिए कोई और तरीका ढूंढ ले। चुप कर। माई ने सुन लिया ना तो तोरे कान खींचेगी। तूने भी वही आवाज सुनी? हाँ दीदी। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं। कहाँ गई तीनों? अरे 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 क्षमा करना छोटे ठाकुर, इतनी रात गई यहाँ का करे? आखिरी पैर है। कहा बताएं? वो हम चूहिया चूहे के काटे का दवा पूछने आए थे। हाँ चूहे के काटे का किसको काटा है चूहे ने? अरे भैया जी को काटा। और चूहा ने नहीं चूहिया ने काटा। चूहिया ने नोकी। नहीं नहीं वो हमारे दोनों मेहमान हवेली में नहीं है तो हमें फिक्र हो रही थी कि पता नहीं कहाँ चले गए तो हम सोचे शायद यहाँ आए हों। मेहमान मत पल, नैना दीदी हवेली में नहीं है। फिर कहाँ है? कहाँ है यहाँ नहीं।
ये अफीम के पेड़े बड़े अच्छे हैं, लड़कियों को कंट्रोल में रखते हैं, वरना उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। बनाने के नाम पर उन्हें यहाँ लाते और फिर उन्हें ये बना देते, ये है इनका आश्रम। 20 डार्कनिंग क्रीम, ये क्या है? इससे लड़कियों का चेहरा काला हो जाता है ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। मासूम लड़कियों के शादी के जोड़े उतरवा के उनको ये लोग अश्लील कपड़े पहनाते, क्या हो रहा है यहाँ? माय गॉड, ये तो इन्हें तो ड्रग्स भी दी जाती हैं। कोई है वहाँ? हे भगवान, हाँ चली गई ये लड़की। ये दीदी बिना कछु नहीं समझती। वही तो, चुपचाप घर में बैठ नहीं सकते। कहाँ जरूरत थी इतनी रात बेरात बाहर निकलने की? सही बात, सब आपकी गलती है। वही तो, कहाँ और नहीं तो कहाँ? हमारी क्या गलती? अरे हम कहे थे कि घर से चली जाओ। हम खुश थे कि दीदी आपके घर में आए तो हिफाजत से, आप संभाल के रखेंगे उनको। अरे वो एक कांच की बोतल है, कुछ हम संभाल के रखेंगे? दो हाथ हैं, कुछ भी करती है, दो पैर है, कहीं भी चली जाती है। अब परेशान कौन हो रहा है बताओ? हम इतनी रात में भटक कौन रहा है? हम चलो ठीक है। अभी बबलू, हाँ भैया, एक काम कर, तू उस तरफ देख। अरे अकेले भैया जी। अरे कोनो भूत नहीं है जा। अरे हाँ, अरे हम इधर देखते हैं। तुम यहाँ? हाँ। हे गंगा मैया, हमरी नैना दीदी और डिम्पी दीदी को कुछ ना हुआ, सकुशल हो। आप लोग वापस आ गए? आवाज सुनी थी किसी की? ओ, हमारी आवाज थी, हम गिर गए थे ना। वो लोग वापस चले गए, चलो जल्दी बाहर आ जाओ।
आपको पता था कि हम यहाँ हैं? जल्दी चलो, वक्त गवा ना करो, हमें गांव पहुंचना जल्दी से। चलो चलो। देखिए आप प्लीज मुझे सच बताइए, आप गांव से इस बार प्रसाद तो लेकर आते हैं, पर यहाँ कोई आश्रम नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है मुझे सच बताइए। हम नहीं बता पाएंगे, हमरा मुंह बंद रखने के लिए हमको बहुत बड़ी कीमत मिली है। हमरी दोनों बिटिया ये प्रथा की भेंट नहीं चढ़ेंगे। हम कभी भी किसी को भी कोई सच नहीं बताए, पर तुम दोनों बहुत बहादुर हो। जिगरा चाहिए जिगरा, इस तरह तो शेर के मान मां चोरी से छुप के घुसने के खातिर। ठाकुर भी जुड़ा हुआ है ना इस सबसे। अब राम जाने, हमको तो जो महंत जी कह देते हैं हम कर देते हैं। चल बाज नहीं आओगे तुम दोनों? और पाप कर रहे हो तुम दोनों। ये आंवला तो आपकी तरह कड़वा है। आधी रात को लड़कियों पे आंवला मारते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आपको शर्म नहीं आती ऐसे आधी रात में जासूसी करते हुए? जान हलक में अटक गई थी हमारी। तो किसने कहा था तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए? पागल कुत्ते ने काटा था हमें, कुछ काम नहीं था तो सोचा चलो आपको ढूंढने चलते हैं। वैसे क्या खबर लाई हैं आप? ठीक है नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन आपको मल्ला काका के साथ देखे हैं हम और कुछ बोलते हुए भी सुने, तो कहाँ देखकर आ रही हैं आप उस पार? उस पार कुछ नहीं है, कोई आश्रम वाश्रम नहीं है। This is a big hoax, बहुत बड़ा स्कैम है ये, समझे तुम? और ये सच्चाई मैं गांव वालों के सामने लाके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।